हाँ जी नमस्कार दोस्तों, मैं मोक्ष जाखड़ और आपका मेरे पावर स्ट्रोक ट्रैक्टर्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं प्रीत ट्रैक्टर का और आपको इस ट्रैक्टर के बारे में सर बताएंगे। तो सर पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम कमलप्रीत सिंह है, मैं प्रीत ट्रैक्टर में पिछले 6 सालों से काम कर रहा हूँ। जी सर, तो हमने जो मेले में डिस्प्ले की हैं ट्रैक्टर, ये हमारे 4 व्हील और 2 व्हील ड्राइव के मॉडल हैं। हाँ जी सर, 4 व्हील इसलिए है क्योंकि आज जो आगे टाइम आ रहा है उसमें जो मशीनरी ऐसी आ रही है कि वो 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर से ही चलने वाली है। हाँ जी सर, उसी की वजह से हम जो प्रेफर 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर को ज्यादा दे रहे हैं। जी सर, तो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी पहले जो देख रहे हैं हम, ये 2 व्हील ड्राइव में ट्रैक्टर है हमारा। हाँ जी, 65 HP में ये आता है, ये ट्रैक्टर है वो 60 जी 65 65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, 6549 इसका मॉडल नाम है। अच्छा सर, प्रीत 6549। ये देखिए दोस्तों, ये 4 सिलेंडर में आ जाता है, इसमें जो जीटोमेटिक इंजन लगा हुआ है 4 सिलेंडर का, बॉश का हम पंप यूज कर रहे हैं, इनलाइन पंप। अच्छा सर, जो इसमें गियर बॉक्स है। हाँ जी सर, ABC हाई लो मीडियम गियर बॉक्स लगा हुआ है। हाँ जी, इसकी 12 स्पीड्स आगे को और 12 स्पीड्स पीछे को है। अच्छा सर, इसे एक तरह से हम चेंजर गियर भी बोलते हैं। जी सर, जितनी स्पीड में ट्रैक्टर आगे जाता है उतनी स्पीड में ही पीछे आ शटल शिफ्ट गियर। जी, शटल शिफ्ट गियर है। हाँ जी सर, सिंक्रोमेश गियर बॉक्स लगा हुआ और जो रिडक्शन की ड्राइव है वो प्लेनेटरी ड्राइव है, प्लेनेटरी ड्राइव के साथ आ रहा है दोस्तों। जी बिल्कुल, ये देखिए पीछे मैं आपको दिखाऊंगा। तो सर बताइए और जानकारी दीजिए हमें इसके अलावा, जो इसका जो डीजल टैंक है वो 65 HP का डीजल टैंक यूज कर रहे हैं। हाँ जी सर, ट्रांसमिशन जो इसमें लगी हुई है वो करारो की ट्रांसमिशन लगी हुई है। करारो की? जी बिल्कुल, जो कि इंटरनेशनल लेवल कंपनी है दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, इटालियन कंपनी है। हाँ जी, उसी का हम ट्रांसमिशन यूज कर रहे हैं। इसमें 540 और 1000 चक्र की मल्टी पीटी हो जाती है, ये जो RPM है 540। हाँ जी, आगे को 540 और पीछे को 1040 करके हम चला सकते हैं, जैसे जनरेटर पे चलाना है तो 1000 पे चला सकते हैं। जी सर, इंजन के जो RPM है वो कम रहेंगे, इससे डीजल की खपत है जो कम होगी। 2400 kg की हम इसमें लिफ्ट लगाई हुई है हमने, 2400 kg की लिफ्ट। जी बिल्कुल जी सर, डबल एक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है इसका। हाँ जी सर, जो टायर साइज है इसका 16-28 का टायर साइज आता है, पीछे वाला, पीछे का रिवर्स टायर है वो 16-28 के टायर है, वो 16-28 के आएंगे। अच्छा, आगे के 7-50-16 के आ जाएंगे। और इसकी सर क्लच? क्लच है इसका जो डबल ड्यूल क्लच में आता है, ये ड्यूल क्लच के साथ आ रहा है। बिल्कुल, ड्यूल क्लच में। जी सर, लुक का हम क्लच यूज कर रहे हैं। अच्छा, बहुत ही बढ़िया कंपनी है क्लच बनाने वाली। हाँ जी, लुक का हम क्लच यूज कर रहे हैं। और इसमें जो हाइड्रोलिक पंप आते हैं हमारे, जो लिफ्ट का पंप अलग से है और पावर स्टीयरिंग का अलग से, ये देखिए ये लगा हुआ है लिफ्ट का और ये आगे वाला पावर स्टीयरिंग का है। हाँ जी, जो ऑयल है वो भी पावर स्टीयरिंग का अलग से है और गियर बॉक्स का अलग से। जी बिल्कुल। और सर इसके जो ब्रेक है वो जो ब्रेक है वो भी तेल में ब्रेक है, ऑयल इम्प्रेस्ड ब्रेक है। जी बिल्कुल, ऑयल इम्प्रेस्ड ब्रेक लगे हुए हैं। हाँ जी, डबल डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है, ये टॉप मॉडल में जो ट्रैक्टर देख रहे हैं, स्टीयरिंग भी इसका पावर है, पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है, डुअल एक्टिव पावर स्टीयरिंग है दोस्तों इसका। तो सर और इसकी जानकारी हमें दीजिए, वो इसके बारे में कुछ और खास बताइए हमें। जो प्राइस है वो हमने सबसे कम प्राइस रखी है। हाँ जी, में जो 6549 मॉडल हमारा आता है। हाँ जी सर, इसकी MRP तो 8 लाख है, आज PDFA का मेला है, इस पे हम 30,000 डिस्काउंट दे रहे हैं। अच्छा, 7,70,000 में पड़ रहा है आज, जितने भी किसान इसे बुक करवा रहे हैं 7,70,000 में। तो दोस्तों ये देखिए बड़ा स्टाइलिश हॉर्स पावर की जो में जो है ये सबसे कम कीमत वाला ट्रैक्टर हमारा ट्रैक्टर है। अच्छा सर, और लो फ्यूल कंजप्शन के साथ दे रखा है दोस्तों। तो दोस्तों बड़ा स्टाइलिश ट्रैक्टर है, चलिए मैं आपको इसका थोड़ा व्यू करवा देता हूँ। तो इसका जो फ्रंट टायर है वो 7/50/16 का दे रखा है और फ्रंट एक्सल है वो नॉन एडजस्टेबल डुअल एक्टिव पावर स्टीयरिंग के साथ, ये देखिए। और 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है दोस्तों, बोस कंपनी का पंप दे रखा है इसका और फ्यूल टैंक वीडियो में आपको बता दिया गया है सर के द्वारा, तो देखते रहिए वीडियो को। फुट स्टेप दिया गया, किसान भाई को आसानी हो ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ने में। और ये देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस है इसका, काफ़ी बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस और ऑयल इम्प्रेस्ड ब्रेक के साथ आ रहा है दोस्तों। डुअल क्लच दे रखी है इसकी भी, कार की तरह स्मूथ क्लच है दोस्तों ये देखिए। और इजी स्टेयरिंग व्हील डिजिटल मीटर के साथ आ रहा है दोस्तों। और ड्राइवर व्यू देखिए, 65 HP का ट्रैक्टर है, काफ़ी बड़ा ट्रैक्टर है और 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स गियर है इसके अंदर और शटल शिफ्ट गियर भी दे रखा है दोस्तों। ये ABC गियर है, इसमें आप अलग अलग स्पीड में चला सकते हैं
ट्रैक्टर को, और ये सीट के पास में दिया गया है इसका जो लीवर है वो लिफ्ट लीवर, ताकि किसान भाई अगर 24 घंटे ट्रैक्टर पर वर्क करता है तो उसको कोई परेशानी ना हो। और ये पीछे ऑक्सिलरी लीवर दिया गया दोस्तों लेजर लेवलर के लिए और ट्रॉली के लिए, ताकि किसान भाई को कोई और दूसरा झंझट ना हो, क्योंकि पहले वो आता था वो उससे आता था लीवर, लिफ्ट लीवर से आता था दोस्तों। तो और इसकी जो सीट है ड्राइवर सीट वो एडजस्टेबल दे रखी है सेफ्टी लॉक के साथ दोस्तों। ये देखिए ये पीछे लिफ्ट सेफ्टी लॉक के साथ दिया गया है, और ये है डिफरेंशियल लॉक दे रखा है वहाँ पर, और इंडिकेटर काफ़ी मजबूत फेंडर है दोस्तों पीछे का, ये देखिए मजबूत फेंडर के साथ, और थ्री पॉइंट लिंकेज काफ़ी मजबूत लिंकेज दे रखी है, और डुअल डिस्ट्रीब्यूटर है दोस्तों, एक लेजर लेवलर के लिए और एक ट्रॉली के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और ये देखिए टॉप लिंक के लिए बड़ी स्टाइलिश दी गई है वो जगह, और दोस्तों इसका जो हुक है वो एडजस्टेबल हुक है दोस्तों, आप अपने हिसाब से इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये प्लेनेटरी ड्राइव, इसका जो पीछे का गियर बॉक्स है वो दिया गया है, हिस्सा जो पीछे का एक्सल है वो प्लेनेटरी ड्राइव दिया गया है, और ये गियर है ये पीटीओ के लिए दिया गया है दोस्तों, इसे आप पीटीओ चेंज कर सकते हैं 540 और 1000 आरपीएम ऑयल इंप्रेस्ड ब्रेक के साथ, काफ़ी मजबूत और फेंडर दे रखे हैं, और ये बड़ी लाइट दे रखी है दोस्तों इसकी। तो दोस्तों बड़ा ही शानदार ट्रैक्टर है ये, ये देखिए ये ब्रेक लॉक करने के लिए दिया गया है, और ये स्विच आप देख सकते हैं, स्टाइलिश ट्रैक्टर है दोस्तों, और बड़ी बैटरी के साथ। हाँ जी थोड़ा ही ट्रैक्टर है भाई। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो धन्यवाद।